हेलो स्ट्रेंड्स गुड इंड टू ऑल ऑफ यू सो यहाँ मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कुछ क्वेश्चन जो कि जे ट्वेंटी ट्वेंटी फोर में यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर से पूछे गए सो so, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं सो so, आपको चार लाइक ए बी सी डी ऑप्शन या कुछ क्वेश्चन देके रखे हैं और पूछा है सिग्निफिकेंट फिगर पहचानना है देखिए स्टूडेंट्स ये ए में जो है वन ज़ीरो जीरो वन इसमें बेसिकली फोर सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं तो ए जो है यहाँ पर टू के साथ मैच कर जाएगा तो ये क्वेश्चन को करना बहुत ही आसान है ऑप्शन से ही हम इसे सीधे जज कर सकते हैं लाइक like ए में हमें श्योर sure है कि ये पता है कि इसमें चार सिग्निफिकेंट फिगर हैं तो ऑब्वियसली ए जो है वो सेकेंड के साथ मैच कर रहा है मीन्स फोर सिग्निफिकेंट फिगर्स लेकिन अगर आप अपने क्वेश्चन के ऑप्शन को देखेंगे तो इसमें हर ऑप्शन में देखिए पहली ऑप्शन में ए के साथ है इसमें ए फोर के साथ तो ये गलत हो गया लाइक फोर में ये बता रहा है कि सिक्स सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं ए वन के साथ है वो भी गलत है और ए थ्री के साथ है वो भी गलत है तो ऑब्वियसली हमने देख लिया कि ए ऑप्शन जो है जिसमें कि फोर सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं तो वो टू के साथ मैच करेगा सो so ए जो है वो टू के साथ पहली ऑप्शन में ही मैच कर रहा है बाकियों में नहीं कर रहा है तो ऑब्वियसली ऑप्शन ए ही इसका आंसर है और बाकियों को भी आप चेक कर सकते हो लाइक अगर आप इसमें देखते हो आ, वन जीरो वन जीरो पॉइंट वन सो तीन सिग्निफिकेंट फिगर हैं तो बी जो है वो वन के साथ मैच करेगा इसमें आप देखिए वी नो दैट कि डेसिमल के बाद जो सारे सिग्निफिकेंट होते हैं सो इट इज़ यू नो तीन और तीन ये छः हो गया सो so सी जो है आपका फोर के साथ मैच करेगा और ऑब्वियसली फिर ये जो है फाइव के साथ ही मैच करेगा मीन्स फाइव सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर सो दीज आर द फाइव सिग्निफिकेंट फिगर्स सो क्वेश्चन नंबर वन का आंसर जो है वो ऑप्शन ए है आगे चलते हैं टेन डिवीजन ऑन द मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर कोन विद इलेवन डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इफ ईच डिवीज़न ऑन द मेन स्केल इज ऑफ फाइव यूनिट्स द लिस्ट काउंट सो वी नो दैट की जो लिस्ट काउंट होता है उसका होता है वन एम एस डी माइनस वन वी एस डी वन एम एस टी माइनस वन वी एस टी तो हमें ये निकालना है और हम लिस्ट काउंट को कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पर जो टेन डिवीजन है मेन स्केल के ऊपर वो कॉन्साइड कर रहे हैं मेन स्केल ऑफ वर्नियर ईयर के कॉन्साइड विद इलेवन डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल सो वी कैन से दैट हम ऐसे लिख सकते हैं टेन एम एस डी इज इक्वल टू इलेवन वी एस टी सो गिवन दिया है क्वेश्चन में सो so यहाँ से वन वी एस टी की जो वैल्यू है वो आ जाएगी टेन अपॉन इलेवन एम एस डी दिस इज़ द वैल्यू ऑफ़ ऑफ़ इन टर्म्स जो कि जनरल हम यूज करते हैं लिस्ट काउंट को निकालने के लिए नाउ इसका यूज करेंगे यहाँ पर लेंगे हमारे पास आ जाएगा इलेवन माइनस टेन अपॉन इलेवन और दैट इज इक्वल टू वन अपॉन इलेवन एम एस टी सो लिस्ट काउंट जो है इलेवन हमारे पास आ रहा है बाकी क्वेश्चन में देके रखा है कि ईच डिवीजन ऑन द मेन स्केल इज ऑफ फाइव यूनिट्स देन द काउंट सो ईच डिवीजन इज इक्वल टू फाइव यूनिट्स के बराबर है तो हम इसको राइट कर सकते हैं वन इज एम एस डी इज इक्वल टू बेसिकली फाइव यूनिट्स के बराबर सो इट कैन बी डिटनेस फाइव अपॉन इलेवन सो फाइव अपॉन इलेवन इज द आंसर ऑफ लिस्ट काउंट फॉर दिस क्वेश्चन सो ये है ऑप्शन ए में हमारे पास सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर सो फॉमूला सिंपली लिस्ट काउंट का लगाया हमने और आंसर निकाल लिया देन आगे चलते हैं डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एंगुलर इम्पल्स ये सब क्वेश्चन ट्वेंटी ट्वेंटी फोर के जो एग्जाम्स हुए हैं मेन्स के उसमें पूछे गए हैं एंगुलर इम्पल्स जैसे कि हम जानते हैं इम्पल्स इज बेसिकली फोर्स इंटू टाइम सिमिलरली जो एंगुलर इम्पल्स है वो होता है टॉर्क टाइम्स द टाइम ओके सो दैट इज जनरल इम्पल्स फोर्स इंटू टाइम और एंगुलर इम्पल्स इज टॉर्क मल्टीप्लाइड बाई टाइम सो हमें उसका डायमेंशनल फार्मूला निकालना है सो फ्रेंड्स टॉर्क का डायमेंशनल फार्मूला और एनर्जी का फार्मूला सेम ही होता है टॉर्क का फार्मूला होता है एम एल टू टी माइनस टू एम एल टू टी माइनस टू इज द फॉर्मूला फॉर टॉर्क एंड टाइम के लिए हम लिखेंगे टी सो so, ये बन जाएगा हमारे पास एम एल टू टी माइनस वन सो एम एल टू टी माइनस वन इज़ द आंसर फॉर एंगुलर इम्पल्स सो एंगुलर इम्पल्स इज टॉर्क टाइम्स टाइम टॉर्क का फॉर्मूला होता है एम एल टू टी माइनस टू बाकी टॉर्क का भी अगर आपको निकालना हो दैट इज फोर्स इन टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस सो ये करके भी आप सॉल्व कर सकते हो फोर्स के लिए रहेगा एम एल टी माइनस टू और डिस्टेंस के लिए एल ये बन जाएगा एम एल टू टी माइनस टू सो ये हमने यहाँ यूज किया सो so टॉर्क का फॉर्मूला था एम एल टू टी माइनस टू इन टू टाइम इज योर एंगुलर इम्पल सो एम एल टू टी माइनस वन सो एम एल टू टी माइनस वन ऑप्शन सी के अंदर है सी इज द करेक्ट आंसर एक और प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं सो वी हैव कुछ इस तरह से क्वेश्चन है कंसिडर टू फिजिकल क्वान्टिटीज एंड बी दे आर रिलेटेड अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन ई एंड एक्स एंड टी हैविंग एनर्जी लेंथ एंड टाइम रेस्पेक्टिवली ए बी का डायमेंशन फॉर्मूला हमें निकालना है देखिए अगर ये रिलेशन डायमेंशनली ऑब्वियसली करेक्ट है तो हमें पता करना है ए का और बी का और फिर ए बी का प्रोडक्ट करके निकाल देना है सो so, अगर आप इस इक्वेशन में देखिए एक्स को कहा गया है कि एक्स एक लेंथ है सो बी माइनस एक्स स्क्वेयर बी माइनस एक्स स्क्वायेयर सो हम लेंथ से ही लेंथ को माइनस कर सकते हैं बट इट इज़ एक्स बेसिकली एल सो ये एल स्क्वेयर हो जाएगा सो ऑब्वियसली बी का डायमेंशन फॉर्मूला तो एल स्क्वायेयर होगा सो बिकॉज एल स्क्वायेयर से ही एल स्क्वायेयर को माइनस किया जा सकता है इफ दिस रिलेशन इज अ करेक्ट रिलेशन डायमेंशनली सो बी का तो फॉर्मूला हमें पता चल गया बिकॉज बी से हमने एक्स स्क्वेयेर को माइनस किया है सो बी इज इक्वल टू एल स्क्वायेर इसको हम नोट कर लेंगे एंड देन वी कैन इजिली कैलकुलेट फॉर ए देयर सो स्टूडेंट्स अब ये इक्वेशन जो है ऐसे लिखी गई है ई इज इक्वल टू बी माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन ए टी सो हमें ए निकालना है सो ए बन जाएगा हमारे पास लाइक दिस बी माइनस एक्स स्क्र इज बेसिकली एल स्क्र ओके हम बी माइनस एक्स स्क्र का जो डायमेंशनल फॉर्मला लिखेंगे वो बेसिकली एल स्क्र है सो so, आप बी माइनस एक्स स्क्र की जगह लिखेंगे एल स्क्र और नीचे रहेगा एनर्जी और मल्टीप्लाइड विथ टी सो यहाँ से ये बनेगा एल स्क्र और एनर्जी का होता है एम एल टू टी माइनस टू और एक टाइम का टी आ जाएगा सो so, ये एल स्क् एल स्क् जो है वो कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास कैपिटल ए का फॉर्मूला बन जाएगा एम माइनस वन और टी जो है ये टी यहाँ कैंसिल हो जाएगा इट इज टी माइनस वन और ऊपर जाके वो टी बन जाएगा सो इट इज एम माइनस वन टी दैट इज फॉर्मूला फॉर ए ए का फॉर्मूला आ गया एम माइनस वन टी बट पूछा है हमसे ए बी हो ए बी का फॉर्मूला आ जाएगा ए का है एम माइनस वन टी और स्टूडेंट्स बी का है एल इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं इसे सो इट इज एम माइनस वन एंड इट इज एल स्क्टू टी सो ये बन रहा है ए बी का आंसर एम माइनस वन एल स्क् टी एम माइनस वन यहाँ पर ऑप्शन में है एम माइनस वन एल स्क् टी यस बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा बाकी माइनस वन है बट लाइक like वो उसमें एल जीरो है तो ये भी नहीं है तो ऑब्वियसली ये है एम माइनस वन एल स्क् टी एम माइनस वन एल स्क् टी इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन सो ये कुछ क्वेश्चन हैं अगले वीडियो में बाकी बचे हुए क्वेश्चन जो जे ट्वेंटी फोर में पूछे गए थे इस यूनिट से उसको भी डिस्कस करूंगा So these are the solutions. Thank you very much.